आप सबको स्वागत है। हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 16 मई के शुभदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सब मिलकर के चलें, लेकिन उसमें हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अब बदलना क्या है? अपनी नेचर, अपने कैरेक्टर, अपने संस्कार, अपनी बुराइयां उनको बदल करके उनको अच्छाइयों में कन्वर्ट कर देना बस, ताकि जो टीम है, ताकि जो फैमिली है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है या जो मैनेजमेंट है वो ठीक ठाक काम करे। ये नॉलेज हर जगह इस्तेमाल होती है, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं को बदलने की भावना द्वारा। पहले तो भावना होनी चाहिए अपने आप को बदलने की, लेकिन आजकल इंसान में भावना होती है कि वो दूसरे को बदल दे, दूसरे को सबक सिखा दे, दूसरे को वो अपनी उनकी औकात सिखा दे या दूसरों को दिखा दे कि वो कितने नीचे हैं या उनकी सोच कितनी गलत है या उनके आइडियाज़ कितने गलत हैं। और आज इंसान इन चीज़ों में लगाता है, जबकि हमें करना क्या है? हमें अपने आप को बदलना है और को हमें सहयोग देना है। अपने आप को बदलना ही औरों को सहयोग देना होता है। अगर हमें किसी को अच्छाई दिखानी है तो हम उसको बुरा दिखा करके उसको अच्छा नहीं दिखा सकते। हम अगर किसी को अच्छाई दिखानी तो अच्छा बन करके अच्छाई दिखा सकते हैं। बहुत लॉजिकल है, राइट? लेकिन हम करते क्या है? अच्छाई दिखानी है तो हम औरों को पहले ब्लेम करते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, उनकी बुराइयां गिनाते हैं उनको। उसके बाद बोलते हैं देखो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन तुम हो ऐसे। तो हम किसी को टेढ़ा दिखा करके सीधा कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, आप किसी को टेढ़ा आईना, ऐसा ऐसा आईना दिखा करके उसको सीधी सूरत कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। वो तभी हो पाएगा जब हम औरों के अंदर की बुराइयां, औरों के कंप्लेन, औरों के बारे में ब्लेम करना नहीं करेंगे। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। स्वयं को बदलने की भावना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, बदले ये देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं और कई सालों तक संबंधों में, रिलेशनशिप्स में स्पेशली, कई सालों तक वेट करते हैं कि ये जब इंसान बदल जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंडेंसी डाल दी? आप बस वेट कर रहे हैं कि यहां पर ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ये जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मैं अपने पैसे वापस निकाल लूंगा। पर आपने फिर से किसके ऊपर डिपेंड कर दिया? जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो दुनिया में चलता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पर संबंधों में अगर हम बोलें कि ये जो व्यक्ति चेंज होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो आप सबसे बड़ा दुनिया का रिस्क ले रहे हैं, जो कि सबसे फाइनेंशियल रिस्क दुनिया के जो हों उससे भी कहीं ऊंचा रिस्क है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे करना है, मुझे बदलना है, पहले हर बात में स्वयं को आगे करो। तो वो इंसान सबसे सुखी होता है जो औरों को बदलने के पीछे नहीं पड़ता। जो औरों को बदलने के पीछे पड़ता है उसका सर दुखता है, उसके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उसको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम उस इंसान में आनी शुरू हो जाती हैं। हड्डियाँ दुखना, बदन दर्द करना, क्योंकि वो इंसान खड़ा होता है, हार्ड होता है। हार्ड तो हार्ड क्या चीज़ होती है? लोहा। तो आपका शरीर भी कैसा बन जाएगा? लोहे जैसा। इधर नहीं बढ़ पाना, उधर नहीं बढ़ पाना, यूं बेंड नहीं कर पाना, उधर बेंड कर नहीं कर पाना, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। ये पहली निशानी होती है। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। अभिमान में आकर के नहीं कि मैं दिखा दूं उसको जरा, नहीं, करने में आगे करो कि हाँ मुझे करना है, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मुझे ठीक तरीके से करना है, तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वे रियल गोल्ड बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। तो मोल्ड कौन होता है? जो इंसान हल्का होता है, जो औरों के अंदर बुराई नहीं दिखता है, जो और को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो और को चेंज करने की कोशिश करता है वो अपने आप को कभी चेंज नहीं कर पाता, कभी मोल्ड नहीं पाता। वो तो नहीं, तुम पहले ठीक हो, मैं क्यों हूँ, मैं तो ठीक हूँ। अभिमान, ये सारी चीजें हमें अपने अंदर चेक करनी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। और जो टीम वर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, जो घर है, उसको हम आगे बढ़ा पाए। इसके साथ ओम शांति आपको।